लॉन्च किया गया, तो पोस्टर सबको बहुत पसंद आया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है पोस्टर देखकर? सर मैंने जब ये पोस्टर डिज़ाइंस बनवाए तो मैंने उसके बाद जो मेरी कॉन्सेप्ट थी, तो मैंने जब मेरे जो करीब के लोग हैं स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के जो हैं उनसे मैंने जब उनको दिखा के मैंने फीडबैक लिया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। और उसके बाद ही ये मैंने आज जो है कन्नड़ फिल्म का मैंने पोस्टर लॉन्च किया है। अभी ये फिल्म मेरी तमिल, तेलुगु और मेन ये पिक्चर मेरी बनी है भोजपुरी में, तो वो मैं एक मेरे ट्रेलर और टीज़र के साथ में लॉन्च करने वाला हूँ। कोई खास वजह थी कन्नड़ में पहले पोस्टर लॉन्च किया गया दिलीप सर? यस, उसकी खास वजह ये थी कि अगर मैं भोजपुरी में जैसे लॉन्च करता तो वो लॉन्च हो ही रही है, सारी भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन तो उसमें एक जो सेपरेशन जो मैं एक पैन इंडिया फिल्म का मेरा जो थॉट था, मेरा ड्रीम जो था, कॉन्सेप्ट थी मेरी कि एक भोजपुरी फिल्म को मैं पैन इंडिया तक लेके जाऊँ, तो वो मुझे लग रहा था कि वो अगर मैं भोजपुरी करूँगा तो उससे मेरे को ओपनिंग से वो मकसद मेरा हल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने कन्नड़ से पहले किया है। सर फिल्म का नाम जैसे कि रानी का टाइटल है, रानी उपस्थित में क्या रीजन है? उनका मुझे उनसे मैंने तय किया हुआ था, बताया हुआ था, लेकिन इट इज़ वेरी सैड, माई प्रेयर्स फॉर हर। उनके दादाजी आज मॉर्निंग में एक्सपायर हो गए, तो आई एम वेरी सैड। तो अब मैं उनको ऐसे हालात में तो कोई भी मुश्किल होता है ना। एक्चुअली वही गुलाटी साहब ने सोचा कि इसको हम भी पैन इंडिया करें और तीन चार लैंग्वेज में करें। फर्स्ट इनका था कि हम कन्नड़ में करें, भोजपुरी तो खैर भोजपुरी में तो बनाई है हमने, रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। लेट्स सी अभी कैसे पब्लिक रेस्पॉन्ड करती है फिल्म को। गुलाटी जी ने जन्मदिन पे कुछ गिफ्ट दिया आपको? बहुत बड़ा बताना चाहेंगे? गुलाटी जी ने मुझे तीन बहुत प्यारे बच्चे दिए। गुलाटी जी का के शेल्टर में अब तक रही हूँ मैं, एंड आई फील वेरी सिक्योर दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही लव मी अ लॉट। और क्या ये तो सब पुरानी बातें हो गई, नहीं नहीं ये नई बात है, दिस इज न्यू। दिलीप सर कुछ स्टोरी के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो शेयर करना चाहें? देखिए मैं स्टोरी तो मैं फिलहाल मुझे लगता है कि मैं नहीं शेयर करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर एक मैसेज है इस फिल्म में, मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि एक संस्कार जो होते हैं वो तो आपको अपने माँ बाप से मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार से भी बढ़कर है आपकी संगत। तो मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप को जब बच्चा जवानी के उस पर मोड़ पे जा रहा है तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनका बच्चा किस संगत में रहता है, क्योंकि अच्छा और बुरा इंसान संगत से बनता है, तो संगत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो मैसेज मैंने इसमें कन्वे किया हुआ है। देखिए इसमें मेन तो लीड रोल में रानी जी हैं और गंगा गीता का किरदार वो निभा रही हैं, और इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे विलन चाहिए था, तो पप्पू यादव जी इसमें कर रहे हैं, इज गॉट अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, वो कर रहे हैं। और दो प्यारे हीरो चाहिए थे मुझे, तो उसमें प्रेम सिंह जी एक हैं हीरो, वो कर रहे हैं, वेरी गुड एक्टर और बहुत अच्छा काम किया है। फिर रवि यादव जी एक टॉल मुझे एक आर्मी का चाहिए था वैसा लुक, तो वो उनकी पर्सनालिटी से मुझे लगा कि लुक्स लाइक एन आर्मी मैन, तो मैं वो रोल कर रहे हैं। और फिर साथ में जैसे जीतू शुक्ला जी हैं, मनोज द्विवेदी जी हैं, और इसके अलावा चूँकि मैं यूपी में फिल्में बनाता हूँ, ये मेरी सातवीं फिल्म है यूपी में, और 2015 से मैंने मेरी पहली पिक्चर थी हमें जोड़ी नंबर वन, तो तब से ही मैं यूपी के कलाकारों को अक्सर मेरे साथ रहते हैं, और यूपी में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, स्टेज एक्टर्स, तो उन्होंने मेरे साथ इस फिल्म में काम किया है, वो लगातार मेरी लगातार फिल्मों में काम करते आए हैं। और हाँ, और एक बड़े इम्पोर्टेंट इन्होंने सही बताया, सागर पांडे जी जो पॉपुलरली नोन थे एज सागर सलमान पांडे, सलमान का वो डबल भी करते थे, उनको भी किसी ज़माने में मैंने ही फर्स्ट ब्रेक दिया था, तो और वो इस फिल्म में एक बड़े इम्पोर्टेंट किरदार में है, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है, इट्स वेरी सैड न्यूज़, बट
माई प्रेयर्स, गॉड ब्लेस हिम, उनके ब्लेसिंग्स। देख रहे होंगे अभी क्या हो रहा है। देखिए क्या है कि रानी, जहाँ तक भोजपुरी सिनेमा की बात है, तो रानी चटर्जी जब आप एक्शन फिल्म कंसीव करते हैं तो एक कंफर्टेबल होना चाहिए, हीरोइन ऐसी होनी चाहिए जो वैसे हीरोइनें बड़ी नाजुक होती हैं, तो ये जो एक्शन फिल्म में अगर आपको हीरोइन चाहिए तो आपको एक हीरोइन ऐसी चाहिए जो एक्शन से भी कंफर्टेबल हो, तो ये फुल एक्शन फिल्म है, तो इसमें मुझे लगा कि रानी से बेटर कोई जस्टिस नहीं दे पाएगा। जैसे एक ज़माने में आप देखते थे कि हेमा मालिनी जी करती थी एक्शन फिल्में, डेकॉइड फिल्में, ये फिल्में, और सोलो वो रहती थी, पूरी कहानी उन पे दारोमदार रहता था, तो वो एक फील रानी जी की परफॉर्मेंस में और उनकी पर्सनालिटी में आता है, तो इसलिए मैंने उनको इस फिल्म के लिए चूज़ किया। रिलीजिंग की क्या प्लानिंग है, क्या पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया रिलीज करेंगे, एक एक लैंग्वेजेस में आप लोग रिलीज करने की प्लानिंग है? नहीं देखिए क्या है, भोजपुरी की तो प्लानिंग मुझे अलग ही करनी पड़ेगी, और बाकी अभी ऐसा हो गया है कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, तो थिएटर वाले डेफिनेटली बड़ी फिल्मों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो वो अभी बहुत बड़ी स्टार कास्ट जब आपके पास नहीं होती है तो एक डेट पे सब जगह रिलीज़ करना मुमकिन नहीं होता है। तो जैसे कन्नड़ वाले अपने हिसाब से रिलीज़ करेंगे, तेलुगु वाले अपने करेंगे, और तमिल वाले अपने करेंगे, भोजपुरी मैं अपने प्लान से करूँगा कि मैं किस तरह से मैक्सिमम सिनेमा हॉल्स में पिक्चर को लेके जाऊँ। नहीं उसके लिए हम वो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारे एक्टर्स वो लैंग्वेज में डब कर सकें, तो वो उसके लिए लोकल जो डबर्स होते हैं वो लोग कर रहे हैं। कब तक रिलीज की प्लानिंग है बता दीजिए? मेरा ये 15 अगस्त, मैंने अभी मेंटली मैं प्रिपेयर हुआ हूँ कि 15 अगस्त एक अच्छी डेट है, 15 अगस्त की शोले पिक्चर 15 अगस्त को रिलीज़ हुई थी, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने भी शोले बनाई है, तो मैं 15 अगस्त क्योंकि करीब की डेट वही ही आ रही है, तो मेरे काम का कंप्लीशन होना और जो करीब की डेट 15 अगस्त मैंने तय की है। थैंक यू। प्रेम जी, आपकी फिल्म गंगा गीता का कन्नड़ पोस्टर रिलीज किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और कैसा लगा आपको आपकी फिल्म का लुक? सबसे पहले तो मैं भोजपुरी देखने वाले जितने भी दर्शक हो सबको हाजिर का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी हाँ, मैंने गंगा गीता किया है और आज फर्स्ट टाइम मेरे करियर में ये पोस्टर लॉन्च हुआ है। मैं अभी तक तो भोजपुरी ही किया हूँ, लेकिन आज दिलीप गुलाटी जी की वजह से और इस बैनर की वजह से मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला और इस तरह का अपना लुक देखने का मौका मिला। कुछ अजीब सा लग रहा है ना कि मैं अपने आप को कन्नड़ व इस लैंग्वेज में देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है। तो बताइए अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। जी, इस फिल्म में मैं एज ए हीरो हूँ और रानी जी का डबल रोल है इसमें, तो गीता जो होती है हमारे अपोजिट होती है और बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, ये पावरफुल करेक्टर है मेरा इसमें, और रानी जी का भी बहुत पावरफुल करेक्टर है, और कहानी बोले तो एकदम एक भोजपुरी इंडस्ट्री से हट के कुछ मिलेगा इसमें देखने को, जैसे एक हिंदी टाइप का नहीं होता है। इस फिल्म को मतलब दिलीप गुलाटी जी ने इतने शिद्दत से बनाया है और इतनी प्यारी फिल्म बनाई है कि मुझे लगता है कि देख के बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा भोजपुरी से। प्रेम, कैसा एक्सपीरियंस रहा रानी के साथ स्क्रीन शेयर करने का काम करते? जी ये तो गंगा गीता तो मैं रानी जी के साथ मेरी शायद तीसरी पिक्चर थी, इसके पहले 2 फिल्म उनके साथ कर चुका हूँ और बहुत अच्छा लगा उनके साथ, मेरी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है मेरे को और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। प्रेम जी, जैसे आपने पहले आपने बताया कि आपकी पहली एक फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, कितनी खुशी आपको हो रही है ये तो आपने बताया ही, कन्नड़ में अगर रिलीज होगी, जैसे कि कन्नड़ तमिल हर लैंग्वेज में ये रिलीज होने वाली है, तो क्या आपको समझ में आएगा अगर वो लैंग्वेज में आप देखेंगे? समझ में नहीं आएगा उस लैंग्वेज में देखेंगे तो, लेकिन हमने क्या किया है, हमने क्या एक्शन रिएक्शन किया है, बस मुझे लगता है उसी को देखने के लिए बैठूंगा मैं और ये जानने के लिए देखूंगा फिल्म को कि मैं दिख कैसा रहा उस लैंग्वेज में, है ना जी, कि जो मेरा डब करेंगे, जो लोग मेरा डब करेंगे, जो आर्टिस्ट डब करेगा उस लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज में उस स्टाइल में मेरा लुक कैसा लगेगा और मैं जो स्टाइल भोजपुरी के लिए किया हूँ उसमें मैच करके कैसा लगेगा, इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सर, क्या
जी, मैं तो ट्रेलर देखा अभी, मुझे दिलीप जी ने दिखाया, तो मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और बहुत अलग डिफरेंट ये मूवी इन्होंने बनाई है। और दिलीप जी की फिल्में सब अच्छी होती हैं, इन्होंने काफ़ी फिल्में दिलीप जी ने बनाई है और दिलीप जी पुराने डायरेक्टर हैं, सबको पता है, और काफ़ी स्टारों के साथ उन्होंने काम कर चुका है। तो ये जैसे मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो इन्होंने मुझे भोजपुरी का ट्रेलर दिखाया तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी बहुत अच्छी बात है कि एक भोजपुरी मूवी कन्नड़ में भी रिलीज हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, भोजपुरी का ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ होना भी चाहिए। ये कन्नड़ मूवी में हो रहा है, भोजपुरी में भी हो रहा है, कन्नड़ में भी हो रहा है। और इसके हीरो हमारे मित्र अपना प्रेम जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो सब अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, बाकी अब जनता के ऊपर है। जी, अपकमिंग हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रही है, जैसे मेरा पति मेरा देवता आ रही है, तू ही मुड़े साजन आ रहा है, दो दिल बंधे एक डोरी से आ रहा है, एक दीवाना बारह हसीना आ रहा है, काफ़ी फिल्में हैं जो अभी रिलीज का है, सब अभी आ रही है। मुझे पोस्टर बहुत अच्छा लगा, और इसकी जो अपनी लीड हीरोइन है रानी जी, वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह वेरी गुड एक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं। और फिल्म का जैसे पोस्टर लग रहा है कि फिल्म को देख के लग रहा है कि ये वाकई में कोई धमाल करने वाली फिल्म है, क्योंकि पोस्टर भी बड़ा धमाल हुआ है। तो बस शुभकामनाएं हैं कि फिल्म बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा मतलब लोगों का रिस्पॉन्स मिले, लोग आए थिएटर में। और ऐसा ही होता है जब फिल्में बनती हैं, फिल्म बनाने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर फिल्म अच्छी बने और लोगों को इसमें कुछ अलग करने को मिले, चूँकि रानी का जो स्टाइल है वो बहुत धाकड़ है और आजकल धाकड़ फिल्में बड़ी चलती हैं, तो मेरी तो बेस्ट विशेज हैं। और मेरे जो इसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं दिलीप जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारा काम किया है। हमारी एक फिल्म और अभी रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है न्याय, न्याय द जस्टिस, आपके पीछे फ़ोटो है उसका, तो ये भी बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। ये फिल्म आपको तो पता ही है कि किसके बैकग्राउंड पे है, तो बस चल रहा है इसी तरह से, मतलब कोशिश यही है कि मतलब अच्छी फिल्में बनाएं, लोगों के सामने अच्छी फिल्में आएँ। और हमारे जो डायरेक्टर हैं दिलीप गुलाटी साहब, बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैंने बहुत सारा काम किया इनके साथ, इनके साथ मैंने मतलब या यू कैन से कि मैंने स्टार्ट इनके साथ किया था। ये मुझे जब मैं बॉम्बे आया था दिल्ली थिएटर से, तो मैं महेश भट्ट और दिलीप गुलाटी इन्हीं दोनों लोगों से मिला था, लेकिन इत्तेफाक से मेरी शुरुआत हुई दामिनी से, सनी देओल की एक फिल्म थी। अभी मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, मेरी भी अभी मेरी अभी एक फिल्म कंप्लीट हुई है सनी देओल के साथ, संजय दत्त के साथ एक फिल्म मैं कर रहा हूँ बाप, जिसमें संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ चारों साथ में, और इसके डायरेक्टर हैं अहमद खान, जिन्होंने हीरोपंथी टाइगर श्रॉफ को लेकर बनाई थी, बागी बनाई थी टाइगर श्रॉफ को लेकर, तो वो उसके डायरेक्टर हैं। उसके अलावा मेरी वेब सीरीज़ बहुत सारी हैं अमेज़ॉन पे, एंड अभी मेरी एक फ़िल्म बहुत बड़ी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, शायद आप लोगों ने देखी हो, जिसका नाम है चोर निकल के भागा। अभी एक फ़िल्म आई है नेटफ्लिक्स पे है, वो मैडॉक की फ़िल्म है, इसमें यामी गौतम है, इसमें विकी कौशल के भाई हीरो हैं सनी कौशल, शरद केलकर हैं और कमाल मलिक। पोस्टर तो बहुत ही बढ़िया बनाया है, एंड पर्टिकुलरली द टाइटल ऑफ द मूवी इज वेरी कैची, बिकॉज पहले एक आया था शंकर नाग का पिक्चर सीता गीता करके, और वन ऑफ द बेस्ट सुपर डुपर हिट भी हुआ था, तो एक वेरी कैचिंग है पहले, एंड सेकेंडली सिमिलर टाइप का ही लग रहा है मेरे को ये पिक्चर, तो इट इज़ लाइक टोटल एक्शन ओरिएंटेड मूवी, तो कर्नाटक में ऐसा टाइप का पिक्चर बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और काफ़ी पिक्चर का उधर कलेक्शंस भी छोटा सेंटर से में भी अच्छा आ जाता है, इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स के साथ, तो होप इट विल डू वेरी गुड बिजनेस, एंड आई विश मिस्टर गुलाटी जी वेरी बिग सक्सेस। सर, जैसे आपने रानी जी की बात की, और रानी जी एक्शन के लिए काफ़ी जानी जाती है, रानी जी के साथ मैंने भोजपुरी की दो फिल्में की थी, एक तो मैंने की थी ज्वाला मंडी और एक और फिल्म की थी, मुझे नाम याद नहीं है,
लेकिन रानी जी के साथ मैं कर सकूँगा। बहुत टैलेंटेड एक्टर है, बहुत ही बढ़िया नफीस इंसान है और बहुत कोऑपरेटिव है। बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसरों को भी खड़ा किया है। मतलब जैसे अब जैसे कोई हीरोइन हो जाती है, अब जिसका बड़ा नाम हो जाता है, भोजपुरी ही सही, भोजपुरी की एक अलग इंडस्ट्री है, भोजपुरी सिनेमा की एक अलग इंडस्ट्री है, उसकी एक अलग जर्नी है। और रानी बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया इंसान है और एक्शन में तो वो कमाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर आप बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मुझे लगता है कि एक हाईटेक इसको कह सकते हैं सिनेमा, बहुत इमोशनल और बहुत मैसेज वाली फिल्म बनी है और म्यूजिक करके बड़ा आनंद आया और मुझे प्रॉपर समय भी मिला और हम लोगों ने काफ़ी 3-4 महीने से वर्कआउट करके चाहते भी थे कि एक ऐसी फिल्म जो कई भाषाओं में बन रही है, भोजपुरी में भी है, कन्नड़ में भी है और दूसरी भाषाओं में बन रही है, तो निश्चित रूप से इस तरीके का म्यूजिक बने जो हर जगह फिट हो सकता हो, हर जगह सुनने में एक जैसा लगे कि ये कन्नड़ के लिए गाने बने हैं। तो बहुत वर्सटाइल म्यूजिक बना है और बहुत माइंड ब्लोइंग बना है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी गाने इसमें हिट होने के इसमें काफ़ी चांसेस हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी पोस्टर कैसा? हाँ, पोस्टर तो बहुत अच्छा लगा। प्रेम मेरा फ्रेंड है तो प्रेम को और दिलीप सर को और कोमल जी को बहुत बधाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाए हैं और सर ने म्यूजिक किया, सर को भी बहुत बधाई। शुभकामना देता हूँ कि फिल्म सुपर हिट हो और बहुत चले। थैंक यू। सर जब म्यूजिक की बात होती है तो एक्शन मूवी जैसे ये एक्शन मूवी है, फुल टू एक्शन इसको देखने मिलेगा, तो म्यूजिक पार्ट में थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिलता है, क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा म्यूजिक पार्ट में? म्यूजिक बहुत चेंजेस मैं नहीं कह सकता कि वो तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। आज कॉमर्शियल टाइप का हमने बनाया लेकिन थोड़ा जो एक भोजपुरी का एक लीक चलता है कि इस तरीके का ही होता है कि शब्द समझ में नहीं आते, गाने का मूड समझ में नहीं आता, इतना म्यूजिक हावी होता है, तो उससे हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि शब्द भी समझ में आते हैं, कंपोजिशन समझ में आती है और बहुत ही इंटरटेनिंग सॉन्ग है। यूथ को ध्यान में रख के हमने फिल्म गाने बनाए और मुझे लगता है कि सब अच्छा ही होगा, बहुत बेहतरीन होगा सब। Thank you so much.